अजरबैजान ने पाकिस्तान को कतर की निस्बत 200% सस्ती गैस देने पर इत्तफाक किया है। अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे भी खरीदेगा। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कई सालों पर मुहित हैं। तुर्की के बाद पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने अजरबैजान को सबसे पहले तस्लीम किया था। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कई साल से हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। अजरबैजान पाकिस्तान को कतर की निस्बत 200% सस्ती गैस देने पर भी इत्तफाक कर चुका है, जबकि पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का फैसला भी कर चुका है। इस्लामाबाद म्यूजियम में अजरबैजान की सकाफती सरगर्मियों का क्याम इसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान की जानिब से अजरबैजान की हिमायत करना फितरी अमल है। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। सीनियर तजियाकार मुबशिर लुकमान ने अपने तबसरे में कहा है कि अजरबैजान के शहरी पाकिस्तान और तुर्की से मिलने वाली मदद पर इस कदर पुरजोश है कि पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लड़ाए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में तैनात सफीर ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें बाकू के शहरियों ने अपने घरों की बालकोनियों में तुर्की और पाकिस्तान के परचम भी लगा रखे हैं। लेकिन हैरानगी होगी कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ इसराइल भी अजरबैजान की हिमायत कर रहा है, क्योंकि इसराइल को अजरबैजान से तेल और गैस चाहिए, जबकि ईरान इसराइल का सख्त मुखालिफ है। सीनियर तजियाकार मुबशिर लुकमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अजरबैजान का मायदा 10 साल के लिए हो सकता है, जिसमें अजरबैजान पाकिस्तान को कतर के मुकाबले में 200% सस्ती गैस देगा, जबकि पाकिस्तान से 30 के करीब JF-17 थंडर तैयारे अजरबैजान खरीद सकता है।